गाइस मेरे माइक की बैटरी डेड हो गई थी तो आई एम यूजिंग अनदर माइक है. आई होप साउंड इज क्लियर. ये वीडियो में बहुत अगेन बहुत ज़रूरी था करना बिकॉज ये क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है कि मेरे ट्रेनर ने मुझे ये दिया उसके साथ ये हो गया. शुड आई बिलीव माई ट्रेनर और नॉट. मुझे ऐसी बॉडी चाहिए तो मेरा ट्रेनर मुझे ये रिकमेंड करता है, क्या मैं लूँ क्या मैं ना लूँ. तो आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ पर्सन यू शुड मीट जो अपनी स्टोरी बताएंगे कि उनके ट्रेनर ने भी उनको काफ़ी वादे किए थे एंड ही ऑल्सो शेयर्ड लॉट ऑफ गुड स्टफ कि मैं आपके साथ ऐसा करूँगा, हम ऐसी बॉडी करेंगे. क्योंकि आपका एक विजन होता है, ड्रीम होता है कि मुझे अपनी बॉडी के साथ ये करना है वो करना है. इनका भी वही विजन था और है, लेकिन उस विजन को पाने के लिए वो ऑब्वियसली एक ट्रेनर के पास गए और उस ट्रेनर ने क्या किया. आई वॉन्ट यू टू हेयर फ्रॉम सो योर इंट्रोडक्शन जस्ट माय नेम इज आदित्य. आई एम द ओनर ऑफ दिस जिम जैक्ड फिटनेस एंड इट्स बीन अ ईयर सिंस मेरी फिटनेस जर्नी एक ट्रांसफॉर्मेशन में टर्न हो गई है. एंड लास्ट ईयर 2015 एंडिंग से स्टार्ट करूँगा मैं जिम स्टार्ट किया. उस टाइम पे आई हायर्ड अ ट्रेनर. तो द ट्रेनर वॉज वेरी हाई प्रोफाइल एंड ही वॉज अ कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर हिमसेल्फ. सो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हम ट्रेन करेंगे, ऐसे ऐसे हम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेंगे. एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग हिम एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम ब्लाइंडली. और पैसे भी दिए होंगे ऑफ कोर्स. पैसे भी दिए थे और काफ़ी हेफ्टी अमाउंट दिया होगा. हाँ, इट वाज अ वेरी हेफ्टी अमाउंट. एनी गुड ट्रेनर वुड चार्ज दैट मच. तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसे थी कि विद इन 3 months आई गेन्ड 35 kilos, जिसके अंदर से स्टार्टिंग इनिशियली 2 months आई गेन्ड अ लॉट ऑफ मसल मास एंड देन मेरी स्किन कोप अप नहीं कर पाई. नहीं, वो क्या दिया, क्या था उन्होंने कुछ पेप्टाइड दिए, क्या दिए. राइट, पहले हमने जब स्टार्ट किया वी स्टार्टेड विदाउट एनी हॉर्मोन्स. सो वी स्टार्टेड ओनली विद ट्रेनिंग एंड अबाउट 8,000 calories डाइट पर डे. हिंदी में बात करते हैं. ठीक है, 8,000 calorie डाइट खा रहे था मैं हर रोज लगभग 8 to 10 meals एंड ट्रेनिंग बहुत अच्छी चलती थी. 6-6 घंटे की ट्रेनिंग होती थी मेरी. एंड उसके बाद हमें ग्रोथ हार्मोन स्टार्ट किया हमने. दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद दैट. कुछ पता नहीं था तुम्हें. कुछ नहीं पता था. आई हैड नॉट यूज्ड इट. मैंने पढ़ा बहुत था उसके बारे में. एंड उसके बाद वी स्टार्टेड विद एन एनाबॉलिक जो कि सिर्फ एक ओरल था, बहुत ही माइल्ड डोज पे. एंड उस चीज़ को यूज़ करते करते टुक मी 3 months एंड 3 महीने में 35 kilo वेट गेन के साथ आई अटेंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेच मार्क्स. मेरी स्किन इतनी बुरी तरह टियर हो गई थी. मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी हार्ट रेट, एवरीथिंग वॉज सो हेरेटिक दैट आई कुड नॉट फील लाइक आई कैन वॉक. मैं सब और मैं गाइस मैं इनकी फोटो कैसे दिखाऊंगा आपको. आई शो यू अ वीडियो है जिसमें आपको स्ट्रेच मार्क्स नजर आएंगे. आई एम रियली प्राउड ऑफ आदित्य जो ये शेयर कर रहा है हमके साथ, ताकि वो ये चाहता है कि आप लोग उन लोगों के चक्रों में ना पड़ो. दैट्स द रीजन हम ये वीडियो कर रहे हैं. तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू आदित्य, आप ये कर रहे हो मेरे साथ. आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं. एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि ऑलवेज फॉलो योर ट्रेनर बट एटलीस्ट नो व्हाट यू आर यूजिंग, व्हाट ही इज गिविंग यू. हमेशा उसे सर्च कर. मुझे नहीं पता था बिकॉज ही गेव मी एन एंजाइम. अब वो एंजाइम था या कोई स्टेरॉयड था या कोई वेट गेनिंग केमिकल था, कुछ नहीं लिखा हुआ था उसके ऊपर. कुछ भी नहीं लिखा हुआ था. ही गेव दैट टू मी इन पाउचेस. तो व्हेन आई गॉट इट लैब टेस्टेड इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेक्सोना एंड पेरेक्टिन. अब उसकी क्या डोज थी वो आई हैव नो आइडिया. अच्छा, तो फिर हुआ क्या, जब तक तुमने क्या स्किन टेयर हो गई. फिर स्किन टेयर हो गई. आई स्टार्टेड गेटिंग इल, बहुत बीमार हो गया. आई कुड नॉट वॉक. तो आई वेंट टू माई डॉक्टर. मैंने उन्हें बताया सब कुछ, क्या क्या खा रहा हूँ. ही जस्ट सिंपली सेड या तो ये सब कुछ छोड़ दो या यू विल लास्ट ओनली अनदर 2 months एंड यू विल डाई. दिस वॉज अ क्लियर वार्निंग ही गेव मी. एंड मैंने सब कुछ स्टॉप किया. आई स्टार्टेड डिटॉक्सीफाइंग माई बॉडी एंड धीरे धीरे 3 महीने बाद जाके मेरी हिम्मत हुई कि मैं दोबारा जिम में कदम रखूं. एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग एवरीथिंग. गूगल की थोड़ी सी हेल्प, देन थोड़े प्रोफेशनल ट्रेनर्स उनकी हेल्प से आई ट्रांसफॉर्म माय बॉडी इन पास्ट 1 year. लेकिन बट जो परमानेंट एक स्ट्रेच मार्क्स मुझे मिल गए हैं दैट आर गोइंग टू लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम, दे आर द प्रूफ कि मैंने गलती की है. ब्लाइंडली कभी अपने ट्रेनर्स को फॉलो मत करो, किसी को भी फॉलो मत करो एंड ऑलवेज लर्न अबाउट व्हाट यू आर यूजिंग. मुझे एक बात बता देते हैं जो कि मैं समझ सकता हूँ. तुम्हारे पास पहले कभी स्ट्रेच मार्क्स थे ही नहीं. नहीं थे. गए थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स तो सबको होते हैं, लेकिन जो स्ट्रेच मार्क्स आपको पेन करना शुरू कर रहे हैं, आपको ब्लीड करना शुरू कर रहे हैं,
आप सोचो वो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, वो स्किन तो वैसे वो ही एक्चुअल करती है स्ट्रेच स्ट्रेच। मार्क्स होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेच मार्क बेसिकली हमारे स्किन के दो लेयर्स के बीच के अंदर पड़ते हैं, टॉप लेयर और लोअर लेयर के बीच में, एंड दे टीयर अपार्ट। जब वहाँ पे आपको कोई क्वेश्चनिंग ही नहीं है, कुछ वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है किसी चीज़ की, तो वो सी थ्रू हो जाती है स्किन, दैट इज़ बेसिकली स्ट्रेच मार्क। तो उसके अंदर से ब्लड आना, इट इज़ नॉट हेल्दी। आता था ब्लड, आता ब्लड आना मतलब इट्स जस्ट लाइक अ वूंड। तो वो अपर लेयर भी थोड़ी सी स्क्रैच हो जानी, हम कहते हैं पेपर स्किन, पेपर थिन स्किन हो जाती है, बट दैट इज़ नॉट वायबल इस केस में नहीं। तो दर्द होता था बहुत ज़्यादा, कपड़े आई कुड नॉट वियर अ टी शर्ट विदाउट क्राइंग इन पेन। तो फिर और ये 3 महीने तक चला था। क्या उस सिचुएशन क्या थी उस टाइम तक? सिचुएशन ये थी कि आई वॉज सो डिप्रेस दैट आई ट्राइड कि आई शुड एंड माई लाइफ, बट देन नहीं किया मैंने ऐसा कुछ स्टूपिड, बट आई जस्ट मेड श्योर कि आई शुड मेक अ कम बैक, एंड थोड़ी सी विल पावर, थोड़ी सी नॉलेज, टुडे आई एम हियर। सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि ये लगती है कि ही इज एक्सेप्टेड दो स्ट्रेच मार्क्स, यू नो, और सबसे बड़ी बात एक्सेप्टेंस के बाद ही शेयरिंग इट विद अस कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि आप अपने ट्रेनर्स के साथ इतना ब्लाइंडली उनको फॉलो ना करो। गाइस देखो, अच्छे भी ट्रेनर्स होते हैं, बुरे भी ट्रेनर्स होते हैं। अब जैसे वही बात है, इट्स लाइक एक्सपेरिमेंटेशन, कई ट्रेनर्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको नहीं पता उन्हें चीज़ का, राइट? अब कईयों पे वो काम कर रहा है, कईयों पे काम नहीं कर रहा है, जैसे वो चीज़ उन्होंने कहीं पे पहले भी करी होगी, बिल्कुल काम करी होगी, मैंने काम नहीं करी, लेकिन जो उसका जो हरजाना जो उन्होंने भुगता है आज भी मुझे लगता है, जब भी, और तुम्हारे साथ तो ऐसे स्ट्रेच मार्क्स हैं कि वो जैसे तुम कुछ भी करते हो नज़र आते हैं, बिल्कुल राइट, और जैसे वो नज़र आते हैं तुम्हें उनकी याद आ जाती है, अरे यार दिस इज़ दिस, और वो एक गलती का एहसास तुम्हारे पूरी ज़िंदगी भर जतलाता रहेगा, बट यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। और सबसे बड़ी बात, ही इज अगेन मैनेज टू ट्रांसफॉर्म सेल्फ, ही डिडंट गिव अप, उन्होंने छोड़ा नहीं, नहीं मैं अगर ठाना तो करूंगा ही करूंगा। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर, दैट वॉज द गोल एट फर्स्ट। तो स्टार्ट ही मेरा कुछ ऐसे होता है कि मैंने मिस्टर डेरावसी और मिस्टर मोहाली कॉम्पिटिशन में गोल्ड लिया, एंड उसके बाद आई प्लान विद दिस जिम। उसके बाद मुझे ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप चाहिए था, आई नीडेड अ कोच, तभी उसको हायर किया, तब मैंने उनके साथ शुरू किया वर्कआउट करना, एवरीथिंग ही वॉज ट्रेनिंग मी विद हिमसेल्फ। ऐसा भी नहीं था कि वो ही ऑलरेडी जस्ट गाइडेड मी, ही वॉज ट्रेनिंग विद मी। अच्छा, ट्रेन भी उनकी सुपरविजन के अंडर ये चीज़ें हो रही थी, एंड ही वुड जस्ट से ये तो पढ़ने ही पढ़ने, एंड दिस इज नॉट नॉर्मल। यू सी एन IFBB प्रो, दे विल नॉट हैव सो मेनी स्ट्रेच मार्क्स, थोड़े बहुत तो चल समझ आते हैं, थोड़े बहुत समझ आते हैं, बट दिस इज एक्सट्रीम। बट एनी वेज, आई होप आपको कुछ समझ आया इस चीज़ से, आई होप इनकी स्टोरी से आप कुछ सीखे हो, और ये तो चलो सस्ते में छूट गया, सिर्फ स्ट्रेच मार्क्स थे, right. कई लोगों को तो कई चीज़ों का हर्जाना भुगतना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ फिटनेस इज़ गुड, ये अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छा पैशन है, ये अच्छा जुनून है, लेकिन अगर आप इसको भी आपको अपने तरीके से करना है, प्लीज़। मैं तो समझता जा रहा हूँ कि फिटनेस जो आजकल एक हेल्दी नहीं अनहेल्दी स्पोर्ट बनता जा रहा है, कि कुछ भी हो जाता है इसमें कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि हमारे पैशन की वजह से, पैशन अच्छी चीज़ है गाइस, प्लीज़ चैनलाइज इट इन द राइट डायरेक्शन, और किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो, किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करो, क्वेश्चन है मोहर, आप उससे पूछो कि अगर हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको पूछते हैं मेरे को ये प्रॉब्लम है, अच्छा मैं क्यों लूँ, उसी से आपका ही फायदा होगा। कोई आपको चीज़ ड्रग दे रहा है, कोई आपको बिना लेबल की कोई वायल दे रहा है, उससे जानो कि इसमें है क्या, बिना उसके बिना कुछ ना लीजिए, वो कुछ भी हो, फ्री में भी दे तब भी मत लो गाइस, इट्स लेसन, बिल्कुल भी मत लो, इट्स अ लेसन दैट नीड्स टू बी लर्न। सो थैंक यू सो मच दीदी, तुमने बात करी हमसे, हमसे स्टोरी शेयर करी, गाइज आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट।